जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है चिकन लेग, सुपर क्रिस्पी फ्राइड चिकन। तो अगर आपने सीखना है सुपर क्रिस्पी करंची फ्राइड चिकन कैसे बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। सुपर क्रिस्पी करंची फ्राइड चिकन बनाने के लिए मैंने लिए हैं 6 पीस चिकन के लेग, ये देखिए, और इनको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। और आपने करना क्या है, इनमें इस तरीके से देखिए ऐसे नाइफ से छेद कर लेना है, या फिर आप कांटे से भी कर सकते हैं, यह है आपकी मर्जी। इस तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूं, ऐसे छेद कर लें सभी में। उसके बाद आपने इनको डालना है एक बोल के अंदर, जैसे कि मैंने डाले, और आपने डालना है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और थोड़े से ये स्प्रिंग ऑनियन, और 600 ml पानी, ये देखिए, 2 टेबल स्पून विनीगर, इतनी चीजें आपने डालना है। इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से, और इसको आपने रख देना है कम से कम 2 घंटे के लिए। 2 घंटा भिगा के ऐसे रखना है, इससे क्या होगा, चिकन के अंदर तक नमक चला जाएगा और चिकन में जो स्मेल आती है लेग के अंदर वो भी नहीं आएगी। तो ऐसे जरूर करना है आपने। जब आप 1-2 घंटा इसको मैरिनेट करके ऐसे रख देंगे तो देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा ऐसा। तो अब आपने क्या करना है, इसको धोना नहीं है क्योंकि चिकन को हमने पहले ही धोया था। आपने ऐसे करके देखिए निकाल लेना है और ऐसे चॉपिंग बोर्ड पर रख लें। इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऐसे रखने के बाद एक कपड़ा लेना है आपने, कपड़ा साफ होना चाहिए, और ये देखिए इस तरीके से अच्छे से कस के इसको पोंछ लेना है, मतलब पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए देखें ना, ऐसे अच्छे से पोंछ के सभी रख लें जैसे कि मैंने पोंछे। इस तरीके से आपने सभी पोंछ के रख लेने। उसके बाद आपने लेना है एक बॉल, बॉल के अंदर आपने डालना है 100 ग्राम मैदा, 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पेरी पेरी पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने देखिए ऐसे इसको मिक्स कर लेना अच्छे से, जैसे कि मैं कर रहा हूं इस तरीके से। उसके बाद आपने एक बॉल के अंदर एक अंडा तोड़ना है, और ये जो मैदा हमने मिक्स करके रखी थी कॉर्नफ्लोर, इसमें से ये देखिए आपने ऐसे 4 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देना है। और आपने डालना है 3 टेबल स्पून पानी, और इसको देखिए ऐसे अच्छे से फेंट लेना है इस तरीके से, बढ़िया तरीके से फेंटे, दाना नहीं रहना चाहिए देखिए ऐसे। अब आपने क्या करना है, चिकन लेग को इसके अंदर डालना है, देखिए ऐसे बढ़िया से डिप करना है जैसे कि मैंने किया। ऐसे डिप करने के बाद आपने उठा के ऐसे नचोड़ लेना है, मतलब जो एक्स्ट्रा बेटर हो वो यहाँ पर ही गिर जाए। उसके बाद ये देखिए यहाँ डाला, और बढ़िया तरीके से आपने मैदा लगा लेना, देखिए ऐसे अच्छे से। आप इसको KFC स्टाइल भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि क्या होता है फिर चैनल को प्रॉब्लम होती है। तो ये बिल्कुल KFC स्टाइल ही है, ये देखिए, देखे ना आप, ऐसे आपने लगा के सब रख लेना है, उसके बाद फ्राई करना है। देखिए ये देखिए सभी मैंने बना लिए हैं। अब आपने इसको करना है फ्राई। फ्राई करने के लिए आपने 2 चीजों का ध्यान रखना है, तेल एकदम साफ होना चाहिए और गर्म गैस स्लो, और ज्यादा गर्म ना हो। ये देखिए इस तरीके से आपने डाल देना है। अगर आपके पास ज्यादा तेल है मेरी तरह तो आप एक साथ सारे फ्राई कर सकते हैं, कम तेल है तो आप 2-2 पीस करके भी फ्राई कर सकते हैं, ये है आपकी मर्जी देखिए। लेकिन एक के ऊपर एक डाल के ना भरें। तेल में डालने के बाद आपने तुरंत नहीं चलाना है, थोड़ी देर पड़ा रहने देना है, फिर इसको चेक करना है इस तरीके से। देखिए ये देखिए ऐसे देखें ना आप क्या चीज बनी है। तो थोड़ी देर तेल में पड़ा रहने दें, हिला झुला ना करें।
अब हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए कितना बेहतरीन कलर आ गया, और जैसे कि मैंने आपसे बोला था ना, एकदम सुपर क्रिस्पी फ्राइड है ये चिकन। ये देखिए एकदम मस्त कलर हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। निकालने का तरीका क्या है, पहले आपने इस चिकन को निकाल के दूसरे किसी बर्तन में रखना है, उसके बाद जिस बर्तन में आपने सर्व करना है उसमें रखना है। देखिए कलर कितना बेहतरीन आ गया है। इस तरीके से आपने निकाल लेना है पहले, ये एक तरीका होता है। तो आप भी ऐसे ही निकाल के रखने पहले, फिर जिस बर्तन में आपने सर्व करना है उसमें रखें। ये देखिए क्या चीज बन के तैयार हुई है, मजा आ गया। मैं इसको इसमें सर्व करने वाला हूँ। मैंने सब्जियां काट के डाल रखी हैं, तो आप भी ऐसा ही करें। जब भी आप फ्राई आइटम बनाते हैं उसमें सब्जियां काट के डालें, उससे क्या होता है आपकी रेसिपी बहुत ही खूबसूरत दिखती है, तेल कभी भी दिखाई नहीं देता उसमें। ये एक तरीका होता है। ये देखिए मेरे तो मुंह में ना पानी आ रहा है जब मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ ना, इसकी जो खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है वीडियो बनाना बंद करूंगा, फटाफट खा लूं। सच बोलो मुंह में पानी आ गया है। आपके आया या नहीं ये आपने मुझे जरूर बताना है कमेंट करके, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा हमेशा की तरह। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है, तो आपने क्या करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।